वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। कल जो आपका प्रैक्टिस सेशन हुआ था, वो प्रैक्टिस सेशन आपका थोड़ा सा हमने कमी किया था, क्योंकि वो संजय सर का क्लास आना था, इंग्लिश महासंग्राम की क्लास आनी थी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो आपको पूरा मिलेगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका बेहतरीन सेशन। इलिप्स का प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करने जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, फटाफट से आ जाओ बच्चा, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएँ, है ना? आ जाओ फटाफट से। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। क्लास चल रही है ना? क्लास बन रही है, क्लास तो स्टार्ट ही है। आ जाओ फटाफट से, है ना? चलो जी आ जाओ। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 52 होगा, जिसके अंदर हम इलिप्स का प्रैक्टिस, मतलब दीर्घ वृत्त की अपन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज के क्लास में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और उसके बाद में उसमें आप कैटेगरी चूज करना, NDA, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी चूज करना। और उसके बाद में आप देखिएगा, अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन जो आपका होगा वो होगा आपका 8 AM पर होगा। क्या होगा? सुबह 8 बजे। और ये बेटा फ्री क्लास है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस सर का क्लास होता है, ये देख लीजिएगा, टॉप 3000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं फिजिक्स में, ठीक है? तो ये आप जरूर से ज्वाइन करें, सुबह 8 बजे सर की क्लास होती है। चलो बच्चा, ये फ्री क्लास है, लेकिन यहाँ वाली जो क्लास है, अगर आप फिर भी चाहते हो कोई कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो, तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे आपके पास। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। RSR लाइव कोड आप अप्लाई करिए, 10% का डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस RSR, जहाँ पर हर क्लास का लिंक, कोई बड़ा अपडेट या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो यहाँ पर आपको दी जाती है, है ना? चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ये हमारी टीम है, टीम RSR, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके कंधों से कंधा मिलाकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी पूरी कोशिश टीम के द्वारा की जा रही है। आप सपोर्ट करिए टीम का, और आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देख पाओगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं उनका टाइमिंग सर देख लीजिएगा। ये हमारे टोटल क्लासेज का टाइमिंग है, सुबह 7 बजे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सुबह 7 बजे। फिर आपके 9 बजे मैथ्स का क्लास होता है, 10:10 पे फिजिक्स का क्लास होता है, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर मैंने आज ही टॉपिक नया स्टार्ट किया है, हाइपरबोला। अगर किसी बच्चे ने देखा नहीं हो तो वो जाके देख लेना, हाइपरबोला मतलब अति प्रवलय की क्लास आपके लगी थी 11 बजे, कॉन्सेप्ट की क्लास जाके देख लेना, ठीक है? क्योंकि ये इलिप्स का प्रैक्टिस सेशन आज का रहेगा, और अगली क्लास के अंदर आपको हाइपरबोला का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, ठीक है? 12 बजे 12 PM पर जो आपका क्लास होगा वो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होगा, 2 PM पर जो आपका क्लास होगा मैथ्स का आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, 3:30 PM पर आपका इंग्लिश का महासंग्राम होगा, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करवाएंगे संजय सर, ठीक है? चलो जी बच्चा आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद में पेटी पेक होकर आपको बैठना है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतारना है। और बेटा कॉन्सेप्ट पक्के तभी होते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आ जाओ फटाफट से। और अपने आर्मी भाई साहब, आज तो आधी आर्मी सोई हुई है, क्या बात है, आधी आर्मी सोई हुई है। हाँ चलो जी आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको डील करने हैं, ठीक है? चलो जी, आज ये आपका महासंग्राम, इंग्लिश का महासंग्राम, जो 3:30 बजे उसकी क्लास आपकी होने वाली है। सुबह अभी 3:30 मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश का महासंग्राम। और इस क्लास के अंदर आपको PYQs मिलेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। चलो बच्चा, आज की क्लास का पहला सवाल जवाब देना। देखे आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप जवाब दीजिएगा। P इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एंड S डेज आर 2 फोकाई, मतलब 2 नाबियां हैं, तो बताओ PS प्लस PS डेज की वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई, PS प्लस PS डेज की वैल्यू। बिल्कुल बेटा, हम भी, हमारी पूरी टीम दिल्ली आ रही है कल सुबह, ठीक है? कल सुबह हमारी पूरी टीम दिल्ली आ रही है, ठीक है ना? और अगर कोई बच्चा दिल्ली का हो तो देख लीजिएगा, आसपास का अगर कोई बच्चा हो तो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? चलो जी आओ फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जवाब दीजिए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? P
PS plus PS dash किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चा? आप देखिएगा, मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास ये अगर इलिप्स है और P अगर कोई पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट अगर S है, ये वाला पॉइंट S dash है, तो PS plus PS dash का PS dash जो होता है वो हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है। किसके बराबर? मेजर एक्सिस। जबकि यहाँ पर आप देखिएगा वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है, और वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी? 2b होगी। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब आपके पास PS plus PS dash बराबर कितना आएगा? 10। PS plus PS dash बराबर आपका कितना आएगा? 10। बेटा बच्चे आंसर दे रहे हैं 8। बेटा वो तब बनता है जब आपके पास यहाँ पर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तब आपके पास 2a होता है। PS plus PS dash 8 तब होता है, 2a तब होता है जब x एक्सिस के ऊपर बनता है। इस केस में 2b होगा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। जवाब देना क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष का एक तिहाई है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता आपको बतानी है क्या होगी। चलो बच्चा जवाब देना क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई, आप जरा एनालिसिस तो करो पहले, आप डायग्राम बनाएं, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करें, उसके बाद में पता चलेगा आपको। नाभिलंब की लंबाई ये होता है नाभिलंब, और नाभिलंब की लंबाई होती है सर 2b² / a। क्या? 2b² / a दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई। दीर्घ अक्ष का एक तिहाई है, ये रही आपकी क्या? दीर्घ अक्ष। ये रही आपकी दीर्घ अक्ष, और दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2a। दीर्घ अक्ष की लंबाई है आपके पास क्या? 2a। आपको दे रखा है इस 2a का एक तिहाई है, मतलब आपके पास 2a को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तब बराबर आएगा। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, a को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब b² / a² बराबर बचा कितना? 1/3। क्या? b² / a² = 1/3। जब आप क्या जानते हो कि सर e बराबर होता है √1 - b² / a². क्या? √1 - b² / a², इसका मतलब 1 - 1/3 को जब आप सोल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर बेटा, कल कोई भी क्लासेस नहीं है, ठीक है ना, कल कोई भी क्लासेस नहीं है। तो बच्चा, कोई बच्चा नया हो इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लेगा, जो नया बच्चा है ना, और पुराना बच्चा कॉनिक सेक्शन को, इनको किसी को भी रिवाइज कर लेगा। कोई कल कोई भी क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। दीर्घवृत्त के दोनों नाभियों के बीच में दूरी बतानी है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि आपको जो काम करना है वो किस तरीके से करना है, ठीक है ना, बस इसका ध्यान रखिए आप थोड़ा। चलो जी, जवाब देना बेटा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नाभियों के बीच में दूरी क्या होती है? पहले कमेंट करो, देखिए नाभियों के बीच में दूरी पता है क्या किसी? क्या होती है? कमेंट करिए एक बार, नाभियों के बीच में दूरी क्या होती है बच्चा? कमेंट करो एक बार, नाभियों के बीच में दूरी पहले बताओ कितनी होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है? ये तो आपने ऑप्शन बताया है, कमेंट करिए कितनी होती है, है ना, कितनी होती है बताओ फटाफट से नाभियों के बीच में दूरी। हाँ, क्या बात है, 2ae। चलो बहुत बढ़िया है, 2ae होती है। बेटा ऐसा होता है आपके पास, ये आपके पास एलिप्स होता है, ये एक नाभि, ये दूसरी नाभि, ये पहली नाभि होती है ae, 0, और दूसरी जो नाभि होती है वो होती है -ae, 0, और दोनों नाभियों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 2ae होती है, ठीक है। यही तो निकालना है आपको, तो आप पहले 20 का इधर डिवाइड करो, इसका मतलब x² / 5 प्लस आपके पास y² / 4 और बराबर आपके पास कितना होगा? 1 होगा। और जब आप e कैलकुलेट करोगे तो वो होगा क्या? 1 - b² / a² क्या? 1 - b² / a² इसका मतलब √1 - b² तो है आपके पास 4, छोटी वाली बटे बड़ी वाली, ये फॉर्मूला होता है 1 - छोटी बटे बड़ी e का फॉर्मूला होता है, छोटी 4 है बड़ी 5 है, इसका मतलब आपके पास कितना आ जाएगा? 1/√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/√5, ये e का वैल्यू आया। और a की वैल्यू कितनी है? ये वाली संख्या का स्क्वायर रूट कर लो,
तो टू स्क्वायर रूट फाइव और ई की वैल्यू क्या है, 1/√5, इससे आपका ये कैंसिल और आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बच्चा आया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर सही है। चलो जी, आइए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, किसी दीर्घवृत्त में नाभिलंब जो है आपके पास दीर्घ अक्ष का 1/3 है। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया। चलो जी, नाभिलंब की लंबाई बतानी है क्वेश्चन नंबर फाइव में। नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, बोलो फटाफट, लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, फटाफट से यार। पीडीएफ पीडीएफ ना चिल्लाया करो बेटा, पीडीएफ मैंने आपको बोल दिया, आप लूसेंट आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन लगाओ, क्या पढ़ाई पीडीएफ में है। पीडीएफ पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, पीडीएफ पॉसिबल नहीं है, मैंने बोल दिया बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको, पीडीएफ पॉसिबल नहीं है बेटा इसका। हाँ जी, नाभिलंब की लंबाई याद है क्या? अरे नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² / a, 2b² / a। तो 2 × b² ये रहा आपका b² और a की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर रूट कर लो कितना, 10। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सही है क्या, 15 राइट आंसर हो गया है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलो जी, अति परवलय की उत्केंद्रता, चलो ये पढ़ा भी दिया है, अति परवलय की उत्केंद्रता, ये क्वेश्चन तो शायद हालांकि उसका था, क्वेश्चन तो मैं उसके सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया था, आज ये डिस्कस करवा दिया है, हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करना हो दंगल वाली क्लास में आया करो, ठीक है ना, और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, नमूने करवाता हूँ। चलो बताओ, अति परवलय की उत्केंद्रता के लिए क्या करोगे? अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है कि सर, वो होता है 1 + b² / a² का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? 1 + b² / a² का स्क्वायर रूट। पहले जो इक्वेशन है उसके अंदर 900 का आप इधर डिवाइड करो, ये 900 का इधर डिवाइड, 900 का इधर डिवाइड, ये 25 का इधर डिवाइड और 144 का इधर डिवाइड, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 1 + b², बी स्क्वायर क्या है, 900 बटा 144, 900 बटा 144 बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 900 बटा आपका 25, ये 900 से 900 कैंसिल, स्क्वायर रूट कर दो, 25 जब आपका ऊपर जाएगा 1 + आपका 25 बटा 144, और इस पूरे का स्क्वायर रूट आपको करना है, और स्क्वायर रूट करोगे तो भगवान की दया से 13/12, 13/12 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बच्चा, कुछ जो बच्चे गलती करते हैं ना, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती पता है कहाँ करते हैं, उनको पता है यार इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है हाइपरबोला के केस में, हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, फिर भी तुक्का लगाते हैं इस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे तुक्का लगाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं है कोई। जब आपको पता है तुक्का लगाओ, थोड़ा सोच समझ के लगाओ, अरे इतना तो याद होगा है, इतना तो याद ही होगा हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। अब 1 से ज़्यादा होती है तो 1 से ज़्यादा या तो ये है या फिर ये है, तुक्का इन दोनों में से लगाओ तो 50% प्रोबेबिलिटी तो आए हैं। चलो, हाँ, सोच समझ के तुक्का भी लगाओ तो सोच समझ के। चलो जी, बोलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जवाब देना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, लगाओ दिमाग। अरे यार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भाई ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बेटा। सेंटर के लिए मैंने क्या बोला था, याद है तो आपको, कि सर एक्स माइनस, ऐसा बोला था मैंने, x² + a² + y² / b² = अगर 1 है तो इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, x = 0 और y = 0, ये होता है 0,0 सेंटर। जो सेंटर हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकाला जाता है, 0,0। लेकिन इसके केस में क्या होगा सर, इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, इसका मतलब बच्चा कितना, -1,2, -1,2 वो आएगा सेंटर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ गए क्या, होल स्क्वायर वाले ब्रैकेटों को 0 के बराबर रखने से सेंटर आता है,
बताना मत किसी को, हाँ राज की बात है। चलो बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 8, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। चलो जी बताओ, यदि नियताओं के बीच में दूरी नाभियों के बीच की दूरी की 3 गुनी हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी? बेटा याद रहना चाहिए क्या क्या होता है दीर्घवृत्त के अंदर। सर ये अगर मान लो कि दीर्घवृत्त ऐसा होता है तो सर नियताएं निकिताएं ऐसी होती है, और निकिताओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 2a/e होता है, ऐसा होता है। और सर नाभियों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 2ae होती है, समझ गए क्या? ज़्यादा दूरी कौन सी है कि सर ज़्यादा दूरी तो ये है, तो 3 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, कम वाली को, तभी तो बराबर आएगी। अरे समझ रहे हो ना बेटा, कम वाली के साथ में ही अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या प्लस करें तभी तो बराबर होगी। ज़्यादा वाली में जोड़ दोगे पहले से ही ज़्यादा है, और जोड़ दोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो नियताओं के बीच में जो दूरी है 2ae जो आपके पास है वो आपके पास है 3 गुना है, 3 गुना है किसका, नाभियों के बीच में दूरी का, 2ae का। चलो जी यहां से देखो बच्चा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए से आपका ए कैंसिल हुआ, ई से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का इधर किया, इसका मतलब ई स्क्वायर बराबर 1/3, इसका मतलब ई बराबर कितना, 1/√3, ई बराबर 1/√3। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। आया क्या समझ में? ये चीजें परमानेंट होती है, जब आप डायग्राम बना बना के याद कर लोगे ना चीजों को तो परमानेंट हो जाएगी सर। अरे क्लियर है क्या, क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये आपको चेक करना है, ये क्वेश्चन बताने लायक ही नहीं है, ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, आप इसको क्रॉस चेक कर लिए ऑप्शन से। हिट एंड ट्रायल महारत वाला क्वेश्चन है, महारत हासिल होगा क्या, महारत हासिल है क्या, दिमाग लगाओ, महारत हासिल है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ क्वेश्चन के अंदर, कौन सा ऑप्शन सही आएगा फटाफट से बेटा। नोट्स किसका पीडीएफ नहीं दिया हुआ है, सबका पीडीएफ दे रखा है, हिसाब हिसाब चुकता है, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है, हर का पीडीएफ दे रखा है, अब तक जो क्लासे भी ना सबका दे रखा है, कल तक का बकाया कॉन्सेप्ट का पीडीएफ, बकाया है ही नहीं यार, बकाया रखते ही नहीं अपन, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ का बकाया नहीं है, सारे दे दिए सर। हाँ जी ऑप्शन पे यहाँ पर आप जाइएगा कि दोनों ऑप्शन जिसको सेटिस्फाई करें, आप पहले तो माइनस का 3 और यहाँ पे -3 यहाँ पे रखोगे तो 9 45, और 1 रखोगे 45 और 3 कितने हो गए सर, ये तो नहीं होगा, कोई हालत भी नहीं होगा। आप रखो माइनस का 3 और 1 इसमें, तो 9 और 3 कितने हो गए 27, और 1 जब यहाँ पे रखोगे 27 और 5 32, इसका मतलब ये ऑप्शन सेट बैठ रहा है। 2, -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस का 2 रखोगे 4, 4 5 20, इसका मतलब ये ऑप्शन सेट बैठ रहा है, बी ऑप्शन सही आ जाएगा, जो ऑप्शन सेट बैठता हो वो राइट आंसर है, जब कोई कर्व कोई पॉइंटों से पास होता है तो। सही है क्या, सारे दे दिए, जाके देख लेना टेलीग्राम चैनल पर। चलो बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 5/8 और नाभियों के बीच में दूरी 10 हो तो उसका नाभिलंब होगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, नाभियों दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 5/8 है और नाभियों के बीच की दूरी 10 है तो नाभिलंब आपको बताना है क्या होगा, बताओ। देखिए नाभिलंब क्या होगा, बकाया है, अरे यार कौन सी बकाया बताओ, बकाया नहीं है कोई सा, बकाया चलो जी देख लेना सर, इसेंट्रिसिटी जो आपके पास है ई बराबर आपके पास है 5/8, ई बराबर कितना है 5/8, नाभियों के बीच में दूरी कितनी है, नाभियों के बीच में दूरी 2ae, और वो कितना होता है आपका 10 है। यहाँ पर e की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 2 into a into e की वैल्यू कितनी है 5/8, इसका मतलब बराबर 10 है। अरे समझ रहे हो बात को बेटा, तो 5 × 2 = 10, इससे कैंसिल, सर a बराबर कितना आया 8 आया, सर a बराबर कितना आया 8 आया। अब अपन नाभिलंब की लंबाई के लिए b होना जरूरी है, क्या है नाभिलंब की लंबाई के लिए b होना जरूरी है, तो आप जानते हो e बराबर होता है 1 - b² / a² यहां से अगर एलसीएम लेके सोल्व करते हो, ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हो तो ए ई आएगा, स्क्वायर कर दो, ए ई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए ई की वैल्यू कितनी है,
ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5। ए की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बराबर ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस आपके पास बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर आपके पास 64 माइनस 25 आया। बोलो आया क्या इतना? अरे बी स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस 25 आई। 64 में से जब आप 25 को माइनस करोगे तो 39 आएगा। क्या आएगा? 39 आएगा, 39 आया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है नाबिलम का? 2b² / a। तो 2 × b² है 39 और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 8। इसका मतलब 39/4, 39/4। फॉर्मूले लगाने आने चाहिए आपको और आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं। हैं? अरे आराम से बन पा रहे हैं क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अरे दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता दे रखी थी e की वैल्यू, नाभियों के बीच में दूरी 2ae होती है, ये 10 दे रखा था, 2 कैंसिल हुआ। इसका मतलब ae बराबर 5 और e की वैल्यू रखी तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई तो a दे रखा है, e दे रखा है, b निकालना है, इस फॉर्मूले से निकाल लो। b आ गया तो नाभिलंब की लंबाई 2b² / a होती है। ठीक है, चलो आगे। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। चलो जी, 16x² + 25y² बराबर है 400 की नियताओं का समीकरण बताओ क्या होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद है क्या? डायरेक्ट्रिक्स नियता की समीकरण याद है? हाँ कोई बकाया है ही नहीं यार, क्या दे मैं, कोई बकाया ही नहीं, हिसाब बराबर है, अपना हिसाब बराबर है। नियता का समीकरण होता है 400 का पहले डिवाइड करो, इसका मतलब इक्वेशन ऐसी आएगी, x² / 25 + आपके पास y² / 16 बराबर आपके पास कितना आएगा? 1। और नियता का समीकरण जो होता है वो होता है सर x = ± a / e होता है। क्या होता है? x = ± a / e। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर तो कितना है सर? ए स्क्वायर बराबर है सर आपका 25 और बी स्क्वायर बराबर कितना है? 16। ए बराबर कितना आएगा? 5 और बी बराबर कितना आएगा? 4। इसका मतलब ई बराबर √1 - b² / a² 1 - √b² / a² इसका मतलब आपके पास 3/5। क्या आया? 3/5। ई की वैल्यू आ गई 3/5, रख दो यहाँ पे। x = ± a की वैल्यू कितनी? 5 और e की वैल्यू 3/5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई, पलट के मल्टीप्लाई होगा, ±25/3। x = ±25/3 आया। तो कौन सा आंसर? डी आंसर सही है सर, डी आंसर। नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। हैं? राइट आंसर डी आंसर आएगा बच्चा, डी आंसर, समझ गए? हाँ ये बात बहुत बढ़िया बेटा। अरे बेटा ऐसे क्वेश्चन कई, एक बच्चा अभी बोल रहा था सर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा जब तूने पिछली बार एग्जाम दिया था, पिछली बार एग्जाम दिया था तो इसको साइड छेड़ा भी नहीं होगा। अब इसमें से दो चार क्वेश्चन धीरे 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 आने लगेंगे और डायरेक्ट ही तो शॉर्ट ट्रिक अगर सीखेगा तो फिर भाई साहब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो किसी की होती ही नहीं है ना? फिर तो कोई आपको महान आदमी ही पढ़ा सकता है, डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक ही सिखा दे और वही एग्जाम में आ जाए। हम इतने महान नहीं है सर कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखा दें आपको। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। दीर्घ वृत्त का नाभिलंब तो है 10 और लघु अक्ष नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है, दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होगा? बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती है कि सर कैसे करें, फिर कि सर कैसे करें। तो भाई साहब ये दे रखा है ना आपको, जरा देखो तो सही, ये वाली गणित देखो। क्या सर? 10 है ना, 10 है। इसका मतलब 2b² / a बराबर कितना है? 10। बस ये निकाल लो आप, हर इक्वेशन के अंदर 2b² / a / a की वैल्यू निकाल लो। आपको करना नहीं है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, नाभिलंब की लंबाई निकालनी है इन तीनों के अंदर, इन तीनों में। आप मुझे जरा ये बताओ कि ये ऑप्शन नंबर सी पे तुक्का लगाओगे क्या? ऑप्शन नंबर सी पे तुक्का लगाओगे क्या? ये किसकी इक्वेशन है बताओ, कमेंट करो फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन किसका है, किसका इक्वेशन है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे यहां पर क्वेश्चन पूछा है दीर्घ वृत्त का समीकरण निकालो, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जो सी ऑप्शन है जो लिखा हुआ है
वो मुझे दीर्घवृत्त लग नहीं रहा, बताओ क्या है, किसका इक्वेशन है? हाँ ये बात बहुत बढ़िया बेटा, हाँ ये है कॉन्सेप्ट, हाँ कि ये इक्वेशन तो हाइपरबोला का है, तो इसका मतलब यार ये तो कैंसिल हो ही गया ना, ये तो सरासर झूठ है। तो आप क्या करो, 100 का डिवाइड कर दो, 100 का डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे, ऐसा प्लस आपके पास वाई स्क्वायर बटे 50 बराबर कितना आया 1। अब आप 2b² / a निकालो, 2 × b² कितना है, ये रहा b², 50/a, a की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कर लो 10। लो बच्चा कितना आया, 10 आया। अरे इसका मतलब सर ये वाला लॉजिक सही बैठ रहा है, ये वाला लॉजिक सही बोल रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे, उल्टा क्रॉस चेक करो, नाभिलंब की लंबाई क्रॉस चेक, और यहां से सर इससे हमने जब नाभिलंब की लंबाई निकाली तो 10 आ रही है, इसका मतलब यही सेट है, इसमें तो अंडर रूट आएगा, अरे इसमें तो स्क्वायर रूट आएगा, ये तो सरासरी गलत है, ये तो सरासरी गलत है, स्क्वायर रूट आ ही नहीं रहा। हाँ जी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया बन जाएंगे बेटा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, सारी थीम माइंड में सेट बैठ जाएगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करो पहले, हार्ड तो आते ही नहीं है ना, हार्ड तो आते नहीं है। चलो जी बोलिए 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 बोलिए। चलो जी दीर्घवृत्त की नियताओं, दीर्घवृत्त की नियताओं के बीच में दूरी है, दीर्घवृत्त जो आपके पास दे रखा है नियताओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 2a/e होती है। क्या होती है, 2a/e। ये रहा सर आपके पास ए स्क्वायर, ये रहा सर आपके पास बी स्क्वायर, और ई की वैल्यू निकाल लो, ई बराबर कितना होगा, √1 − b² / a² क्या, √1 − b² / a² ई बराबर कितना, 1 − 20/36 क्या, 1 − 20/36। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, ई बराबर कितना आएगा, 16 − 4/6, इसका मतलब 2/3 क्या, 2/3, और ई की वैल्यू 6 है ही आपके पास, तो 2 × a की वैल्यू 6 और ई की वैल्यू 2/3, इसका मतलब 18 क्या आया भाई, 18 आया क्या, समझ में। कैलकुलेशन तो करोगे ही करोगे भाई, कैलकुलेशन सर थोड़ी करने जाएंगे, कैलकुलेशन तो बच्चा आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व अपन ने कर ली है, आगे वाला क्वेश्चन बढ़ो, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 14, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14। इसमें पूछ लिया नाभियों के बीच की दूरी, इसमें क्या पूछ लिया, नाभियों के बीच में दूरी। चलो लाइक के अंदर तो भाई धड़ाधड़ कंजूसी आपने कर रखी है, अरे लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी कर रखी है आपने। 3x² + 4y² = 48 की नाभियों के बीच में दूरी कितनी है, नाभियों के बीच में दूरी क्या है, कि सर नाभियों के बीच में ये दीर्घवृत्त होता है सर, और नाभियों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 2ae होती है, क्या होती है, 2ae होती है। आप सर इस सर 48 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब सर x² / 16 आ जाएगा, प्लस आपके पास y² / कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा बराबर 1। आपको जरूरत है तो e की, क्या e बराबर 1 − b² / a², इसका मतलब यहां से जो आपके पास आएगा 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, मतलब 1/2। e बराबर कितना आया, 1/2, e की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो 2 × a × e, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 4, e की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा, 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आया। हाँ ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतने सिंपल ही आते हैं, हार्ड नहीं आते हैं। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। लॉजिक से करोगे फायदे में रहोगे, लॉजिक से करोगे क्वेश्चन को तो फायदे में रहोगे। कैसे लॉजिक बनाए सर, लॉजिक तो आपको समझने पड़ेंगे कि कैसे लॉजिक बनते हैं, है ना, लॉजिक कैसे बनते हैं वो देखो, लॉजिक कैसे बनते हैं आप जरा देखो। आपको क्या दे रखा है, शीर्ष का समीकरण दे रखा है लो जी, और नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप जरा समझिए कि सर ऐसा दीर्घवृत्त अगर होता है स्टैंडर्ड केस में, तो सर उसकी नाभि के जो निर्देशांक होते हैं, नाभि का निर्देशांक होता है सर +−ae, 0, +−ae, 0, ये नाभि के निर्देशांक है। और भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने दिया है तुम्हारे को नाभि के निर्देशांक क्या, +−4, 0, तो दोनों बराबर ही तो होंगे,
नाभिक के निर्देशांक 4.0 रियल में होते इतने, आप इसको इसके बराबर कर दो, इसका मतलब ए ई बराबर कितना आया, 4। ए ई बराबर कितना आ गया, 4। आया समझ में? सर इसके अंदर शीर्ष के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस 1.0, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष जो होता है एक्चुअल के अंदर वो होता है सर प्लस माइनस 1.0, और भगवान ने कितना दिया, भगवान ने दिया 5.0। अरे सही है क्या? अरे सर ए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया सर, ए बराबर 5 हो गया, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ ए बराबर कितना हो गया रे, 5। अब आप देखो कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। आप निकाल लो उल्टा, ए स्क्वायर निकालो, कैसे निकालो सर, 225 का डिवाइड कर दो इसमें, 225 का इधर डिवाइड कर दिया, 225 का आपने इधर डिवाइड कर दिया, तो सर जब ये इससे कटेगा तो कितना आएगा आपका कि सर 25, ये कितना आएगा बेटा 25, तो सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ही तो होता है, तो सर ये बिल्कुल फिट बात है कि इसी के अंदर आपका राइट आंसर आएगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर क्रॉस चेक करने से आ गया। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है, आपने इसका डिवाइड करते ही एक्स स्क्वायर के नीचे 25 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में बन रहा है, और यही आपका राइट आंसर। वैसे भी आप देख लो कि ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है, कि सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या से बड़ी होगी, और वो आपको इसी ऑप्शन में मिलेगी। हाँ, वर्टेक्स को सेटिस्फाई करवा दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो 5.0 से सेटिस्फाई करा दो, वैसे भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, सेटिस्फाइड करवा दिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए सर। अगला सवाल बेटा इसी तरीके से करिए, आपको ए की वैल्यू पता करना है, ए या बी में से किसी एक की वैल्यू पता करके फिर मैच कर लो, सबसे सिंपल ट्रिक यही है ना। चलो जी देख लो, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, एक ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, कुछ ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे आपके, कुछ ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएंगे। सर नाभि दे रखी है प्लस माइनस 5.0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, नाभि जब आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी होगी, तो सर ये क्या बोला, देखो ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है सर हमारे को, एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी नहीं है, तो ये तो सरासर झूठ है। समझ गए बात को, कि सर नाभि के निर्देशांक होते हैं ए ई, और उसने दे रखा है 5, तो मतलब ए ई बराबर 5, और नियता का समीकरण यहां से आपके पास होता है a अपॉन e, और बराबर कितना है 36/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कि सर ए स्क्वायर बराबर आएगा 36। सर ये आएगा आपके पास a स्क्वायर बराबर 36, बता दो किसमें है 36, कि सर इसी के अंदर है, ए स्क्वायर बराबर 36 इसी के अंदर है, इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। बोलो आया कि नहीं आया सवाल, अरे कितने लल्लू सवाल है सर, कितने लल्लू क्वेश्चन है, फालतू डरते हो है, फालतू डर रहे थे सर, कॉनिक सेक्शन हार्ड है, रट लगाए बैठे हो सर, कॉनिक सेक्शन हार्ड है, पैराबोला हार्ड है, कोई भी हार्ड नहीं है, टॉपिक सारे सिंपल है। चलो जी आगे चलता हूँ, आगे लेके चले, चलो जी दूसरी दुनिया में। अगला सवाल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। यदि किसी दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता 1/√2 हो तो नाभिलंब का क्या होगा, नाभिलंब क्या होगा। बच्चा मैं आपको यही कहूंगा इस क्वेश्चन में, आप इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाइए, पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ और नाभिलंब देख लो, नाभिलंब होता है 2b² / a, तो बताओ किसके बराबर होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चे ने आंसर भी दे दिया, क्या बात है, डी आंसर दे दिया है, हाँ क्या बात है। चलो जी, दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता e बराबर क्या होता है कि सर 1 - b² / a² बराबर कितना है, 1/√2 है, क्या 1/√2, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे कि 1 - b² / a² बराबर 1/√2 2, 1/2 को इधर भेज दो, 1 - 1/2 बराबर आपका 2 / a². इसका मतलब बच्चा 2 / a² बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, 2 / a² बराबर 1/2। अब आप जानते हो कि एल आर की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² / a, क्या होती है बच्चा 2b² / a होती है, यहाँ से 2 स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो सही, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 a² / 2 यहाँ पे रख दो, तो 2 * a² / 2 * आपका है a,
ये टू से टू कट गया, ए से आपका ए कट गया, इसका मतलब ए आया। बेटा ये जो ए होता है वो क्या होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a, और अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी a। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है, डी आंसर है। राइट आंसर कौन सा हुआ, डी आंसर आपका राइट है। क्लियर है क्या बच्चा? चलो जी, एक बच्चे का अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, एक मिनट। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया सर, मैंने फेज टू क्लियर, हाँ चलो जी मैंने फेज टू क्लियर किया है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है सर 18। बोलो, यदि एक दीर्घवृत्त की नाभि संगत नियता के बीच की दूरी 8 है, क्या दे रखा है, एक नाभि और नियता के बीच में दूरी दे रखी है, नाभि और नियता के बीच में दूरी है ना, इलिप्स 2-3, इंटीग्रेशन 2-3। अरे बेटा दे तो दिए है ना, नहीं दिए क्या, मैं चेक कर लेता हूं, आप मैं चेक कर लूंगा, जो भी आपको नहीं दिए है ना इलिप्स का, जो भी नहीं दिया मैं आज दे दूंगा आपको, है ना। चलो, दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी, लगाओ, आपको दे रखा है नाभि और संगत नियता के बीच में दूरी। नाभि और संगत नियता क्या होती है कि सर ये दीर्घवृत्त है, इसका मतलब, इसका मतलब सर नाभि के निर्देशांक होते हैं ए कोमा जीरो, ठीक है, और नियता होती है सर ए अपोन ई कोमा जीरो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में दूरी दे रखी है आपको, है ना, इसका मतलब नियताओं की ए अपोन ई माइनस का ए, ये वाली दूरी, ये दूरी है ए ई, ये वाली दूरी है ए अपॉन ई, मतलब ये वाली दूरी क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, ए अपॉन ई में से ए ई को माइनस कर दो, कि बीच की दूरी कितनी है 8, और ई बराबर कितना है, ई बराबर है 1/2, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ई की वैल्यू 1/2 रखोगे तो कितना आएगा 2a माइनस का a अपॉन 2 बराबर कितना आएगा 8, इसका मतलब 3a अपॉन 2 बराबर कितना आया 8, इसका मतलब a बराबर, बोलो कितना आया, a बराबर आया बच्चा आपके पास 16/3। ए की वैल्यू पता चली क्या, ए की वैल्यू पता चल गई सर, ए की वैल्यू कितनी है 16/3। अब आपको ई भी दे रखा है, ए भी दे रखा है ना, तो आप लगाओ फॉर्मूला ई का, ई बराबर होता है 1 - b² / a² का, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ई की वैल्यू 1/2 है, स्क्वायर करोगे 1/4 बराबर 1 - b² / a², इसका स्क्वायर करोगे तो 256/3, 256/3 है ना, 3 का स्क्वायर 9। लो जी कर लो बात, फटाफट से बताओ, इसको इधर ट्रांसफर किया, मतलब 3/4 इंटू आपका 256 आपके पास 9, और बराबर आएगा b², b की वैल्यू निकाल लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, b की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, है ना। चलो जी, बन रहा है क्या, कोई सा दीर्घ अक्ष के लघु अक्ष की लंबाई पूछी है सर, बोलो बन रहा है क्या, नहीं आया 32/3। एक मिनट में फिर से चेक करता हूं एक बार, आपको निकालनी है सर इन दोनों के बीच में दूरी ए ई, ए अपॉन ई माइनस ए, ए अपॉन ई माइनस ए ई कितना दे रखा है सर 8 दे रखा है, और उसके अंदर था 1/2 है, मैंने यहां पर ई की वैल्यू 2 रखी तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब 3a/2 = 8, मतलब a बराबर कितना 16/3, ये a की वैल्यू पता चल गई, एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला है, इसमें रखा अपन ने e बराबर 1/2 है ना, स्क्वायर किया 1/4, 1 - b² / a², a स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर कर लो 256/9, सोल्व कर लो कितना आता है, कौन सा आया, अरे सही है क्या, डी आंसर, कोई नहीं आ रहा, चलो जी डी आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलो जी बढ़िया है, बढ़िया है, समझ नहीं आया इसमें बेटा, समझने की ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो, आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दीर्घवृत्त है ऐसा, इसके अंदर ये केंद्र है, ये नाभि है, नाभि की जो दूरी होती है वो होती है ए ई, यहां से यहां तक की दूरी क्या है ए ई, ये है नियता, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है ए अपॉन ई, तो इन दोनों के बीच में दूरी, ये वाली दूरी पूछिए ए अपॉन ई में से ये वाली दूरी माइनस कर दो, तो नाभि, ये नियता और नाभि के बीच में दूरी ये निकाल ली अपन ने, ये कितनी दे रखी है 8, ई का मान कितना दे रखा है 1/2, 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस का a अपॉन 2 बराबर कितना आएगा 8, इसका मतलब आप निकालोगे अब तो निकालोगे, हाँ जी क्लियर हुआ, अरे बता तो दिया पूरा,
कि यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 4a माइनस का a मतलब 3a अपॉन 2 बराबर आपके पास 8, इसका मतलब a बराबर 16/3, a बराबर 16/3। अब तो हो जाएगा आराम से, a आ गया, e दे रखा है, b निकाल लो, डिस्टेंस तो स्क्वायर रूट में होगी, तो 8 का स्क्वायर होगा ना सर। बेटा मेरे ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के भी दीर्घवृत्त में नियता और नाभि के बीच में दूरी है, स्क्वायर रूट कोई दो बिंदुओं के बीच में दूरी होता है वो लगाते हैं अपन स्क्वायर रूट में, तो समझे कि नहीं समझे, आया समझ में? मतलब यार इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखते हो तुम लोग। ये आपके पास दीर्घवृत्त है और ये नाभि होती है यहाँ पे और नियता होती है यहाँ पे। नाभि के निर्देशांक ए कोमा जीरो तब होता है जब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो होती है ए अपोन ई। तो आपको इस दूरी का जिक्र किया जा रहा है तो सीधी सी बात है यार, ए अपॉन ई में से ए माइनस कर दो, ठीक है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है आपको पता करने के लिए, आंसर पता करने के लिए दे दिया, आंसर पता करने का उपाय दे दिया है क्वेश्चन ने। -3.1 से गुजरता है तो इसकी उत्केंद्रता √2/5 हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, है ना। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आता है, अरे आ जाने दो तो यार, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है समझ गए, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, चाहे क्वेश्चन पैराबोला का कहीं पे भी दे दें, इसेंट्रिसिटी आपको चाहे कैसे भी घुमा के देना, आपको करना क्या है, ए 1 होती है उसकी। तो अच्छा सेटिस्फाई करवा दिया, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया है, चलो बहुत खुशखबरी है ये तो है। -3 आपने रखा यहाँ पे, 27 और 5, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सही है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा पहला ही, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा पहला ऑप्शन, सही बात है। आगे बढ़ू, आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर आपका 20, लो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 आया। एक दीर्घवृत्त के दीर्घ और लघु अक्षों की लंबाइयां 10 और 8 है और उसका दीर्घ अक्ष वाई एक्स है, दीर्घवृत्त के केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर उड़ाना होता है, ऐसे क्वेश्चन करने नहीं होते हैं, इनको उड़ाना पड़ता है, और उड़ाओगे कैसे देखो। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है, 10 है, लघु अक्ष की लंबाई कितनी है, 8 है, दीर्घ अक्ष वाई एक्स है, ये रहा लॉजिक। तो यहाँ पे दीर्घ अक्ष अगर वाई एक्स है, इसका मतलब वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, और दीर्घ वृत्त जो बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए तभी काम हो सकता है। इसका मतलब सर इसने छोटा दे दिया, गलत है सर, इसने भी वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या छोटी दे दी, सरासर झूठ है। अब इन दोनों का चक्कर है बस, आप देखो लघु अक्ष की लंबाई तो कितनी है, 10, दीर्घ अक्ष की लंबाई मतलब आपके पास 2b बराबर 10 है, तो b बराबर कितना आएगा, 5, और b स्क्वायर बराबर 25, इसका मतलब y स्क्वायर के नीचे की संख्या 25 होनी चाहिए, और y स्क्वायर के नीचे की संख्या 25 कौन से ऑप्शन में, b में। कई बच्चे लपेट दिए गए, हाँ जबरदस्त तरीके से लपेट दिए गए, बच्चे जवाब दे रहे हैं डी आंसर, काफी बच्चों ने डी भी आंसर दिया, लपेट दिए गए बच्चा। कितना साधारण सवाल है ये, ऑप्शन काटने वाला तरीका आना चाहिए बेटा, ऑप्शन काटना जब तक नहीं आएगा तो काम खराब हो जाएगा, एनालिसिस करके तुक्का भी लगाओ तो क्वालिटी से तो लगाओ है। हाँ मैं कई बार बोलता रहता हूँ यार, झूठ भी तो बोलो तो टेक्निकल झूठ बोलो जिसका पता ही नहीं चल पाए। हाँ ये चोर भी है तो साले इंटरनेशनल चोर है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 21 बोलिए, आपको दे रखा है केंद्र 0.0, नाभि 0.3 और अर्ध दीर्घ एक्स 5 हो। अब ये क्वेश्चन भी देखो दिमाग लगाने का ही क्वेश्चन है, है? बोलिए 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 फटाफट से। हाँ जी 0.0 तो केंद्र है, नाभि देख लो, नाभि कहाँ पे है, नाभि है सर वाई एक्स पे, कहाँ है, नाभि है वाई एक्स पे, ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब बनेगा तो ऐसा, और जब ऐसा बनेगा तो वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी होगी, वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है तो सर ये तो गया काम से, ये तो गया।
और आपको क्या दे रखा है, अर्ध दीर्घ एक्स क्या दे रखा है, 5। अर्ध दीर्घ एक्स मतलब यहां से यहां तक, मतलब बी, बी का मान कितना दे रखा है, 5। अर्ध बोल रखा है बच्चा, अर्ध, सेमी मेजर, सेमी मेजर, मेजर एक्सिस होता है 2b और सेमी मेजर एक्सिस होता है b, तो b बराबर 5 है बच्चा, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 25। और घुमाएगा क्वेश्चन, बी स्क्वायर बराबर 25 तो सर इसमें भी है इसमें भी है, लो जी और फंसा दिया। अब जो चीज बची है वो चीज बची है नाभि के निर्देशांक की, नाभि के निर्देशांक निकाल लो, और नाभि के निर्देशांक आप इन दोनों के अंदर नाभि के निर्देशांक निकाल के पता कर लो 0.3 कौन से में आया है, कि सर नाभि के निर्देशांक होंगे 0.± का बीई, और अगर मैं इसमें ई निकालने जाता हूँ, ई बराबर रूट 1 - छोटी बटा बड़ी, इसका मतलब सर 3/5 और 0.± बी की वैल्यू, ये बी स्क्वायर है तो बी बराबर 5, तो सर बैठेगा ये वाला सही राइट आंसर बैठेगा इसके अंदर, तो आपके पास 4/5 आएगा ई का वैल्यू, समझ गए। अरे सही है क्या, ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन राइट है, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट है, क्लियर। चलो जी आगे सवाल, आगे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखो, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका एक शीर्ष, लॉजिक मिल गया लॉजिक बच्चों को है, अरे लॉजिक मिल गया, शीर्ष मिल गया बच्चा, शीर्ष मिल गया, और शीर्ष मिल गया तो सर हम अब तो कहना ही क्या, अब तो फोड़ देंगे हम, शीर्ष मिल गया क्या चाहिए तुम्हारे को है, शीर्ष अगर मिल गया है शीर्ष अगर मिल गया तो सर शीर्ष तो सेटिस्फाई करता है रे, शीर्ष तो सेटिस्फाई करता है, किसी को बोलना मत, शीर्ष सेटिस्फाई कर देता है। चलो जी ये रहा शीर्ष 0.7। अब अच्छा 0.7 कौन से ऑप्शन में आएगा, वाई की वैल्यू आप 7 रखो, ये तो 0 हो गया, तो सर 144 × 7 का स्क्वायर क्या 49। देखो लॉजिक देखो, अब भी लॉजिक है बेटा, यहाँ पे मैंने y बराबर 7 रखा तो 49 × 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, इन 9 × 36 यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका मतलब 6 नहीं है, इसका मतलब गलत है, समझे क्या बात को, इसके अंदर भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अरे ये भी लॉजिक है, ये भी तो लॉजिक है बच्चा, इसमें जब आप 7 रखोगे तो कितना आएगा 95 × 49 और 9 × 45 यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसका मतलब सर आंख बंद करके बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तुक्का लगाने का भी सर टेक्निकल तरीका है, हैं? अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए जो लॉजिक में बता रहा हूँ। अरे भाई साहब ये होते हैं स्मार्ट वर्किंग, होती है स्मार्ट वर्किंग, बच्चे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं क्योंकि सर वहाँ पे मल्टीप्लाई वो रफ, क्या पता सर जो एयरपोर्ट्स की कॉपी चेक करने वाले हैं सर वो हमारी कॉपी चेक कर लें, रफ वर्क चेक कर लें, हैं रफ वर्क चेक कर लें, तो बच्चे करते हैं, पूरा ईमानदारी दिखाते हैं, बेईमानी नहीं दिखाते। चलो यूनिट डिजिट निकालनी होती है। चलो बच्चा आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। चलो जी बच्चा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर जिसने गलत दिया है बस महामैराथन स्टार्ट होने वाली है, ये लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। 3:30 पे इंग्लिश की PYQs, और बेटा मोस्टली एग्जाम में वही आते हैं, है ना, मोस्टली एग्जाम के अंदर वही आते हैं। चलो बच्चा कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, और आजकल आपने जो मेरे प्यार में कमी कर रखी है ना बेटा, पाप लगेगा आपको, सरासर पाप लगेगा, हैं? सरासर पाप लगेगा कि सर इसके अंदर तो बिल्कुल सही है, ये तो आपके पास दीर्घवृत्त बनेगा, सर दीर्घवृत्त के क्वेश्चन करा रहे हो, लोकस तो 100% दीर्घवृत्त ही आएगा, दूसरे क्यों लगाए हम। अरे सर दीर्घवृत्त की प्रैक्टिस आप करा रहे हो तो इसका मतलब इक्वेशन तो आप दीर्घवृत्त का दोगे, सीधी सी बात है ना। चलो सर ये 23 क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, देखें आज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा प्यार बढ़ा के भेजना बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका, और अब आएगा क्वेश्चन नंबर 25। ये लो जी क्वेश्चन नंबर आपका बच्चा 25, दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई की 3 गुनी है तो उत्केंद्रता कितनी होगी। सर ये भी आपका होमवर्क का ही क्वेश्चन है, होमवर्क का ही क्वेश्चन है, समझ गए बच्चा। चलो जी आपके सवाल पूरे हो गए हैं, अब इंग्लिश की मैराथन आ रही है, फटाफट से नहा धो के तैयार हो गए आ जाओ क्लास के अंदर, केवल 10 मिनट भी नहीं बची है, 9.5 मिनट बचे हैं, आ जाना फटाफट से, और मेरा प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में लौटा देना, नहीं तो पाप लगेगा।
समझ गए, क्लास के रिगार्डिंग थोड़ी एनर्जी चाहिए बेटा, एनर्जी मेरी कम हो गई थोड़ा सा, है ना, तो एनर्जी के लिए थोड़ा सा बूस्ट अप, जो क्लास सेव हो जाएगी ना उसके बाद में डाल देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, इंग्लिश का महासंग्राम शुरू होगा, महाक्रांति। आ जाना 3:30 बजे।